इन लोगों ने सिर्फ 80,000 या 80 लाख रुपए का जो माल बरामद करके बाकी सामान जो है हमारा ये कह के दे दिया कि वो लोग पकड़े नहीं गए। कोई व्यवस्था नहीं बनाई अब तक। और ये बताओ, ये आपकी हम अभी जान जोखिम लिए बैठे हैं, अपना व्यापार कैसे चलाएंगे आगे? हम कि इन पर कार्रवाई सख्त रूप से हो, ऐसे में हम व्यापारी अपना व्यापार करें तो कैसे जब मौत का तांडव 24 घंटे हमारे पर नाच रहा है। इतना ज्यादा परेशान नहीं है कि हम लोगों का जाल माल का नुकसान है और हमारे कारोबार को नुकसान है। यही नहीं कि ये शासन और प्रशासन को हमारे को तुरंत सहयोग करना चाहिए, धरपकड़ करनी चाहिए उन लोगों की जो इन लोगों को नुकसान। तो कृपा करके सभी लोग थोड़ा समय देके और मीडिया प्रभारी से बात करके आपको सभी को ज्ञात है कि हैदराबाद के अंदर एक सप्ताह पहले दिन दिहाड़े लूट बालाजी ज्वेलर्स पर हुई है और एक सप्ताह बाद किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सभी सराफा व्यापारी यूनिटी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन जल्दी धन मांगते हैं कि इन पर कार्रवाई सख्त रूप से हो, ऐसे में हम व्यापारी अपना व्यापार करें तो कैसे जब मौत का तांडव 24 घंटे हमारे पर नाच रहा है, ऐसे में व्यापारी कैसे अपना व्यापार करेगा। तो हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का सहयोग करें और जल्दी जैसे बात हुई थी तो कैमरे को लेकर या जो हॉर्न लगाने होते हुए वहाँ पर नहीं पाए गए तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? व्यापारी तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर ही रहा है, शासन प्रशासन भी हम इसमें सहयोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन भी इस तरह की लूट घटनाओं पर चोरों के अंदर भय की कोई स्थिति नहीं है। दिन दिहाड़े साल भर के अंदर कितनी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं और किसी का कोई खुलासा नहीं होता, और किसी का खुलासा भी होता तो माल की जब्ती नहीं हो पाती। इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन घटती जा रही है, हम सरकार से आश्वासन करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और शासन प्रशासन इस तरह की सख्ती बरते। जब एक हफ्ता हो गया आज तक कोई लूट का खुलासा नहीं हुआ पहली बात, और आपने देखा होगा कि उस दौरान के बाद से भी बाजार में 2-4 दिन का पुलिस ने पूरा बंदोबस्त बढ़ा रखा था, लेकिन उसके बाद भी जो है ना घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मतलब कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई अब तक। और ये बताओ, ये आपकी हम अभी जान जोखिम लिए बैठे हैं, अपना व्यापार कैसे चलाएंगे आगे? हम तो सकता नहीं, देख सकते हैं आप कितने त्रस्त लोग हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु मैं ये चाहता हूँ हमारे बीच ये जो असुरक्षा का अपघटन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारी बात आपके माध्यम से हमारे शासन प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के केंद्र तक ये पहुँचनी चाहिए, जिससे कि हमारा आक्रोश उन्हें नज़र आए और हमारी तस्सा उन्हें नज़र आए, क्योंकि हम असुरक्षित हैं, ना हमारा इंश्योरेंस होता है, ना हमारी कोई ऐसी स्थिति बन पाती है कि प्रशासन में डायरेक्ट आके हमें सहयोग करें। प्रशासन अगर सहयोग करता भी है, पकड़ धकड़ होती भी है, तो उसमें एक आदमी ऐसा पकड़ा जाता है जो कहता है कि हमने एक आदमी को पकड़ लिया, अपना सामान पकड़ लो, तो जो हमारा वास्तविक रूप से नुकसान होता है वो हमें नहीं उपलब्ध होता। उसमें ऐरा गैरा नथु गैरा के जो पैसा है, अभी पीछे तारा मोरा क्या हुआ, कई करोड़ों की उपलब्धि थी और इन लोगों ने सिर्फ 80,000 या 80 लाख रुपए का जो माल बरामद करके बाकी सामान जो है हमारा ये कह के दे दिया कि वो लोग पकड़े नहीं गए। हम ये चाहते हैं कि तुरंत ही इस डकैती का खुलासा हो और तुरंत ही उसका जो है हमें सहयोग मिलना चाहिए, प्रशासन का आश्वासन और हमारी सुरक्षा और हमारी बहुत ज़रूरी है, ताकि 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 चोरों के मन में भी कुछ डर का भय होना चाहिए। हम सब प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे 3-4 बाजार हैं, कम से कम 3-4 बार हमारे बाजारों में पुलिस की गश्त होनी बहुत जरूरी है। अगर जल्दी खुलासा नहीं होता तो अगला हम फिर भूख हड़ताल पे उतर आएंगे और सराफा हम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, हम अपने कारोबार को बंद कर देंगे, अपना कारोबार बंद करेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे। ब्रांडेड लोग भी हमारे तनिष्क वाले, हमारे ब्लू स्टोन वाले, सभी लोग हमारे सहयोगी हैं, अपने पूरे स्टाफ के साथ हमारे बीच हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।